हाँ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ स्लैब डिस्ट्रीब्यूट द लोडिंग, मतलब स्लैब अपने सपोर्ट के ऊपर लोडिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्लैब मतलब क्या। हमारा स्लैब है, ये दो डायमेंशनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है और जिसको हम प्लेट एलिमेंट भी कहते हैं। उसकी डेप्थ एज कम्पेयर टू उसकी लेंथ और विड्थ से कम रहती है और वो जो स्लैब है वो ट्रांसवर्स लोडिंग कैरी करता है और वो साइड के मेम्बर के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। साइड के मेम्बर्स मतलब उसके सपोर्ट्स जो बीम और कॉलम है। अभी ये एक हमारी एक स्लैब की फिगर है जिसमें दो ये जो मेजर डायरेक्शन डायमेंशन है, जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन में उसकी विड्थ है, जेड डायरेक्शन में उसमें लेंथ है और वाई डायरेक्शन में उसमें डेप्थ है। जैसे हमने एक्स और जेड डायरेक्शन में उसके जो डायमेंशन है वो लार्जर है और एज कम्पेयर टू उसकी डेप्थ, तो ये है हमारा, इसको हम टू डिमेंशनल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। अभी स्लैब जो है हमारा इंडिपेंडेंट मेंबर, इंडिपेंडेंट मेंबर मतलब जब स्लैब के ऊपर लोडिंग आती है तो वो डायरेक्ट लोडिंग होती है, वो किसी मेंबर के थ्रू नहीं आती। अभी जैसे बीम के ऊपर जो लोडिंग आती है वो स्लैब के थ्रू आती है, कॉलम के ऊपर आने वाली लोडिंग बीम के थ्रू आती है, उसी प्रकार स्लैब के ऊपर जो लोडिंग आती है वो डायरेक्ट लोडिंग आती है, किसी मेंबर के थ्रू नहीं आती। अब हम देखते हैं कि स्लैब को हम हर बार अंडर एंड पोस्ट सेक्शन ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि अंडर एंड क्योंकि जो भी स्लैब फेल होता है तो उसमें सबसे पहले स्टील फेल होता है, बाद में कंक्रीट फेल होता है। अभी अंडर एंड पोस्ट सेक्शन मतलब क्या, द सेक्शन इन विच स्टील फेल्स बिफोर फेल्योर ऑफ कंक्रीट। मतलब अब जब भी हमारे सेक्शन के ऊपर जब लोडिंग अप्लाई होती है तो ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई होती है तो उसके उसके उसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस मतलब टॉप में टेंशन और बॉटम में टेंशन, टॉप में कंप्रेशन। इसकी वजह से हमारा स्टील जो फेल होता है वो सबसे पहले फेल हो जाता है वहाँ पे स्ट्रक्चर में टेंशन जोन की वजह से, और फिर बाद में कंक्रीट फेल होने को स्टार्ट हो जाता है। इस सेक्शन को हम अंडर एंड पोस्ट सेक्शन कहते हैं। अभी स्लैब हमारा सिंगली इन नेचर रहता है। सिंगली मतलब जब उसकी मेन रेइनफोर्समेंट है वो सिर्फ इन टेंशन जोन में ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तब उसको हम सिंगली सेक्शन कहते हैं। अभी जैसे कि हमारे स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिख रही है, पहले पहले पोर्शन में मतलब टॉप के पोर्शन में ये एक स्लैब है और इसके बॉटम की साइड में हमने यहाँ पे रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। अब बॉटम के साइड में ही क्यों रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड की, क्योंकि अगर स्लैब के ऊपर जब हम लोडिंग अप्लाई करते हैं तो वो ट्रांसवर्स लोडिंग रहती है, उसकी वजह से वहाँ बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं, टॉप में कंप्रेशन रहता है, बॉटम में टेंशन रहता है। तो बॉटम के साइड में टेंशन होने की वजह से हम यहाँ पे बॉटम में रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट रहता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ले सकता है पर टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं ले सकता, इसलिए हम बॉटम की साइड में यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करते हैं। और स्लैब में हम सिर्फ एक ही साइड में स्टील प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको सिंगली रेइनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। अभी स्लैब की आगे कंसेप्ट देखने से पहले हम ये दो चीजें देख लेते हैं। स्लैब के जो लॉन्गर स्पैन रहता है उस स्पैन को हम LY बोलते हैं और जो शॉर्टर स्पैन रहता है उसको हम LX बोलते हैं। अभी अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब ऑन लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अभी हम सबको रोड पता है, रोड पे जब ट्रैफिक आती है अगर वो ट्रैफिक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होंगी तो हम उसको वन वे ट्रैफिक कहते हैं। अगर वो ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन से आ रही है, मतलब रोड के दोनों साइड से वो ट्रैफिक आ रही है, तो हम उसको टू वे ट्रैफिक कहते हैं। इसी प्रकार हम हमारे स्ट्रक्चर में देखते हैं, अगर हमारा स्लैब मेंबर कंसिडर करते हैं तो हम हमारे स्लैब मेंबर को हम टू डायरेक्शनल मेंबर कहते हैं, जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन। और जब भी हमारे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर वो एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम उसको वन वे स्लैब कहते हैं, अगर दोनों डायरेक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम उसको टू वे स्लैब कहते हैं। अभी वन वे स्लैब को हम डिटेल में देखते हैं। वन वे स्लैब, अभी ये जो फिगर दिख रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर ये एक स्लैब की फिगर है। अगर ये फिगर के ऊपर फिगर के दोनों साइड में हमने दो बीम प्रोवाइड कर दिए और अगर ये जो डायमेंशन है ये स्लैब के उसके ऊपर अगर हमने कंसिडर किया उसका LY बाय LX रेशो अगर दो से ज़्यादा होगा तो तभी उस स्लैब को हम वन वे स्लैब कहते हैं। अगर वन वे स्लैब में अब लोड रिस्ट्रिक्शन कैसा रहता है वो देखेंगे। वन वे स्लैब में लोड रिस्ट्रिक्शन रहता है वो ये, अगर ये टोटल पूरा स्लैब है तो इसका आधा लोडिंग ये बीम के ऊपर ट्रांसफर होता है और आधा लोडिंग ये बीम के ऊपर ट्रांसफर होता है। अभी ये लोडिंग में डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है, सब प्रकार के लोडिंग है। अभी वो सब प्रकार के लोडिंग आधी
ये बीम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और आधी ये बीम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। वो जैसे हमने अभी यहाँ पे एरो से दिखाया है कि ये पूरे सेक्शन का लोडिंग ये बीम के ऊपर ट्रांसफर होगा और ये पूरे स्लैब का लोडिंग ये बीम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अभी स्लैब में जो डिफ्लेक्शन पैटर्न रहता है वो इस प्रकार रहता है, जो शॉर्टर साइड में डिफ्लेक्शन रहता है वो मैक्सिमम रहता है एज कम्पेयर टू लॉन्गर साइड का डिफ्लेक्शन। पर हम सबको पता है जैसे जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है और जिसका लेंथ कम है उसका डिफ्लेक्शन कम है। पर यहाँ पे तो वन वे स्लैब में जो शॉर्टर शॉर्टर डायरेक्शन है वहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है एज कम्पेयर टू लॉन्गर डायरेक्शन। इसी वजह से हम शॉर्टर साइड में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और लॉन्गर साइड में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये कंसेप्ट क्या है हम अगले साइड में देखेंगे। हम सबको पता है कि जब लेंथ बढ़ती है तो उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है, तो उसके डिफ्लेक्शन बढ़ने की वजह से वहाँ पे हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ती है। पर वन वे स्लैब में एक्चुअली क्या होता है, जब एक स्लैब है वह ये अगर ये जो फिगर दिखाई जा रही है वो एक स्लैब की फिगर है वन वे स्लैब की, अब उसमें एक लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल में हम एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं और एक शॉर्टर डायरेक्शन पैरेलल में एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। अगर ये जो लॉन्गर डायरेक्शन में जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा ऐसा कंसिडर करते हैं, और इसकी जो शॉर्टर डायरेक्शन में उसकी लेंथ कम है तो उसका डिफ्लेक्शन कम है, यह हम सबको पता है। अभी हम देखते हैं अगर मैंने यहाँ पे सेंटर में अगर कोई भी लोडिंग लगा दी, अभी वो लोडिंग की वजह से मेरा दोनों दोनों भी मेंबर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर ये दोनों भी मेंबर एज ए मोनोलिथिकली कास्ट है, मतलब एक साथ कास्ट किए वाले हैं, क्योंकि हमारा पूरा स्लैब जो स्ट्रक्चर है वो एक ही साथ कास्ट किया जाता है, इसी की वजह से जो भी यहाँ पे लोडिंग आएंगे वो दोनों साथ में लेंगे। अभी हमको जैसे पता है अगर ये लॉन्गर स्पैन का जो स्ट्रिप है अगर वो 10 mm पे फेल हो रहा है और ये शॉर्टर स्पैन का जो स्ट्रिप है अगर वो 5 mm पे फेल हो रहा है, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे जो लोडिंग आएंगे तो वो पहले 5 mm पे आने के बाद, मतलब 5 mm का डिफ्लेक्शन होने के बाद ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। मतलब अगर ये जो लॉन्गर स्ट्रिप है उसने 10 mm की भी लोडिंग के बाद फेल हुआ तो भी कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये 5 mm के ऊपर ही पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जा रहा है। इसी की वजह से हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो जो शॉर्टर स्पैन के डिफ्लेक्शन है उसी के ऊपर ही डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमको सेफ स्ट्रक्चर चाहिए, वो विदाउट फेल्यूर चाहिए। इसको हम स्टीफनेस कहते हैं, जैसे जिस मटेरियल का ज़्यादा स्टीफनेस वो मटेरियल ज़्यादा लोड कैरी करता है और उसी मटेरियल को हम ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अभी हम देखते हैं वन वे स्लैब किस किस कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है। अभी जब अपने स्लैब को जो सिंगल सपोर्ट रहता है वहाँ पे हम वन वे स्लैब प्रोवाइड करते हैं, क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको हम वन वे स्लैब कहते हैं। और वो एग्जांपल है उसका एक छज्जा, अगर हमने दोनों साइड में सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, दोनों पैरेलल साइड में सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पे भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसी की वजह से इसको भी वन वे स्लैब कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है स्टेयर केस, जैसे स्टेयर केस में ऊपर की साइड में एक बीम रहता है और बॉटम की साइड में एक बीम रहता है और ये दोनों बीम के ऊपर पूरा स्टेयर केस का लोडिंग ट्रांसफर किया जाता है। अभी जब 3 सपोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो टाइम पे भी हम वन वे स्लैब ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे भी हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको वन वे स्लैब कहते हैं। और इसका एग्जांपल है कैंटिलीवर बालकनी। अभी जब 4 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो टाइम पे हम सोचेंगे कि उसका LY/LX रेशियो क्या है, अगर LY/LX रेशियो ग्रेटर देन 2 होगा तभी हम उसको वन वे स्लैब कंसिडर करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फ्लोर स्लैब, कोई भी अपने फ्लोर के ऊपर एक आधा स्लैब होगा जहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर करते हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं टू वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। एक स्लैब है जो उसके चारों साइड में सपोर्ट्स है और उस स्लैब का LY/LX रेशो जो है वो 2 से कम है, मतलब नियर टू 1 और 2 के बीच में है। जब ऐसा होगा तब वो स्लैब को हम टू वे स्लैब कहते हैं। अभी टू वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा रहता है, अभी जो फिगर आई है हमारे ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, 2 ट्रेपेजॉइडल सेक्शन और 2 ट्रायंगुलर सेक्शन है। इसी प्रकार टू वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जैसे हम सबको पता है शादियों में जो मंडप रहते हैं वो कैसे चारों
चारों पोल को बांधे हुए रहते हैं, जैसे चारों पोल वो मंडप को रेजेस करते हैं, मतलब उसको खींचते हैं, जो उस जो भी लोडिंग आता है वो पर्दे के ऊपर टॉप टॉप पोर्शन में वो चारों बीम के ऊपर इक्वली ट्रांसफर होता है। उसी प्रकार अगर हमने ये देखा, ये चारों बीम के ऊपर हमारे लोडिंग आ रही है, ये टू वे स्लैब का ऐसा ही एग्जांपल है। अभी ये जो लोडिंग आ रही है उसमें ये जो ट्रेपेज़ॉइडल लोडिंग है, ये दो जो पैरेलल बीम है लॉन्गर साइड में उनके ऊपर ये ट्रेपेज़ॉइडल लोडिंग ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो शॉर्टर स्पैन में जो पैरेलल बीम्स है उसके ऊपर ये ट्रायंगुलर लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इसी के साथ ही अगर ये बीम के ऊपर कोई वॉल होंगी, हर एक बीम के ऊपर अगर कोई वॉल होंगी वो भी लोडिंग उसी ही बीम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। इसी प्रकार टू वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी जो डिफ्लेक्शन पैटर्न रहता है टू वे स्लैब, क्योंकि दोनों डायमेंशन जो ये जो है ना एक जैसे रहते हैं, मतलब अगर ये 2 मीटर का एक आधा स्पैन होगा तो दूसरा 3 मीटर का होगा, इसी प्रकार उसके रेशियो में रहेगा, तो इसकी वजह से दोनों जो स्पैन में डिफ्लेक्शन आता है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रहता है, इसी की वजह से दोनों साइड में हम मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अभी जो टू वे स्लैब की कंडीशन हम देखते हैं कि टू वे स्लैब की कंडीशन क्या है, जब चारों साइड से बीम होंगे और उसका एल वाई बाई एल एक्स रेशियो 2 से कम होगा उसी टाइम हम सिर्फ टू वे स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रक्चरल डिजाइनर के ऊपर भी डिपेंड है कि हमको उसको 1 वे कंसिडर करना है या 2 वे कंसिडर करना है। अगर एल वाई बाई एल एक्स रेशियो अगर 2 से ज्यादा भी होगा और हम उसको 1 वे डिजाइन करना चाहते हैं तभी भी हम उसको कर सकते हैं, उसको वैसे डिटेलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ये सब स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है, और अभी वो बीम के ऊपर रहता है। अगर ये 2 बीम को हमको हल्का करना है तो हम सिर्फ ये 2 बीम के ऊपर ही मेन रिइंफोर्समेंट डालेंगे और उसको ये 2 बीम के ऊपर ही लोड ट्रांसफर कर देंगे। अभी हमारे स्लैब में अलग अलग स्ट्रेसेस आते हैं, उसके ऊपर अलग अलग रेनफोर्समेंट, उसके ऊपर डिपेंड अलग अलग रेनफोर्समेंट है। जैसे अभी हमारे स्लैब में जो डिफ्लेक्शन रहता है शॉर्टर स्पैन में ज्यादा रहता है, इसी की वजह से हम शॉर्टर स्पैन में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और जो लॉन्गर स्पैन है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। अभी उसी ही प्रकार टू वे स्लैब में दोनों साइड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रहता है, उसकी वजह से हम दोनों साइड में मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अब स्लैब में अलग अलग प्रकार के स्ट्रेसेस आते हैं, जैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, टॉर्सनल स्ट्रेसेस, ये सब स्ट्रेसेस को स्लैब कैसे रेजिस्ट कर लेता है और उसके लिए कौन से रिइंफोर्समेंट हम वहाँ पे डिजाइन करते हैं वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।